इस साले कोबरा को उसकी लंबी पूंछ से ही पकड़े, लंबा जाएगा इस बार। अपने सारे क्लाइंट्स को उल्टा खरीदने को बोलते हैं। टैम सीरीज का जो मैंने आप लोगों को क्लिप दिखाई वो आरटीसी से कैसे रिलेटेड, वो आपको थोड़ा सा आगे पता चलेगा। लेकिन अभी ये जो आईटीसी है, रॉन्ग साइड आईटीसी कैसे बना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। निफ्टी जो है आज ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और आपको पता है हमारा जो आईटीसी है वहीं पे वो 178 के आसपास ट्रेड कर रहा, मतलब 200 भी क्रॉस नहीं कर रहा। अब रॉक्स 250 या 300 के आसपास में होना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा अपने रिलेटिव चीज को बता दूं, मैंने 300 रुपीज़ के आसपास में से लिया था और मैंने प्लज किया था एज ए सिक्योरिटी के तौर पर, फ्रेंचाइजी के तौर पर मैंने वहाँ पे यूनिकॉर्न में प्लज किया था। आपको पता ही होगा ऑफकोर्स यूनिकॉर्न जो है वहाँ पे वो डिफॉल्ट कर गई और वो जो शेयर्स है वहाँ पे फंस गए। अब मेरे को थोड़ी खुशी इस बात की है कि 150 के आसपास उनका भी लॉस हुआ, क्योंकि चलिए छोड़िए वो तो खैर एनएससी वालों के पास में है या फिर यूनिकॉर्न वालों ने बेच दिया, वो कोई खबर तो है नहीं, उसका तो लॉस हुआ हुआ। लेकिन आईटीसी से रिलेटेड मेरे पास ये चीज़ थी। अब भी मैं आप लोगों को बता दूं, अभी जो 178 के आसपास ये जो कर रहा है ट्रेड, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों यहीं पर फंस के रह जाता, और जो मैंने क्लिप आप लोगों को दिखाई उससे इससे क्या रिलेटेड है। देखिए उस क्लिप में वो कह रहा है जितना ज़्यादा वो सेल करेगा उतना ज़्यादा हम उठाएंगे। अब इस चीज़ को कैसे प्रूफ करूँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आपको बताऊंगा, देखिए आईटीसी आज कितना बड़ा, 3-5% अप्रॉक्स, और मैं वहीं पर इंडियन होटल की बात कर लूँ तो आप देखिए 14%, मतलब वो भी 100 रुपये से नीचे का शेयर है ये, और ये 14-15% ऊपर जा रहे हैं। वहीं हमारा आईटीसी 3-5%, चलो कुछ ही खुशी का मौका हो जाता है तो 3-4% दिखा देता, नहीं तो 1% के नीचे ही ये घटता बढ़ता रहता है, उससे ज़्यादा इसे बढ़ने नहीं देते ना घटने देते। घट रहा तो यहाँ पे 300 से लेकर नीचे तक आया और ये नीचे ही तैरता रहा। और वहाँ पे अगर मैं इसी के रिलेटिव हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करूँ तो यहाँ पे ये 2000 के आसपास में, इसके कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ मैं आप लोगों को भी बता दूँ, बहुत सिंपल है, क्योंकि ये FMCG में आती है, ये भी FMCG में आती है, तो इतना रेट का डिफरेंट कैसे है। बहुत सारी चीज़ें होती है, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें, लेकिन उससे रिलेटेड मैं बिल्कुल पॉइंट वाली बात कहूँगा आपके पास में। अब इनकी शेयर होल्डिंग पे आते हैं, ठीक है। शेयर होल्डिंग में ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का है, देख लीजिए शांति से, 61% जो है प्रमोटर्स के पास में है, FIIs के पास 40% है, DIIs के पास 10.9 और पब्लिक के पास 12.8। वहीं सिंपल कंपैरिजन करूं आईटीसी शेयर के साथ में तो यहाँ पे 0% प्रमोटर के पास में है, 13% FIIs के पास है, DIIs के पास में 43% है और पब्लिक के पास भी 43%। ये जो पब्लिक है ये कुछ ज़्यादा ही काम खराब करी, इसी में हमारे ऑपरेटर घुस के बैठे हुए हैं, और यही चीज़ मैं आप लोगों को स्टार्टिंग क्लिप में समझाना चाह रहा हूँ। ये जितना ज़्यादा नीचे गिरते साला उतना उठा लो तुम शेयर, कितना गिराओगे तुम है? इनको कई कभी ना कभी तो अपनी पोजिशन कैरअप करनी पड़ेगी, वहाँ पर तो ये शेयर बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो जितना ज़्यादा ये साले गिरते उतना ज़्यादा तुम उठाओ, ढंग से उठाओ। आप भी आपके शौक से लगाओ कि प्रमोटर 0% कैसे है भाई, मैंने भी इस पर थोड़ी सी रिसर्च करी, 0% कैसे रह सकता है मतलब। तो ऐसे करके मुझे कुछ कंपनियाज भी पता चली जिसमें HDFC का भी नाम पता चला भाई, जो कि तब 2000 के ऊपर मैं ट्रेड करी, तो उसके पीछे का भी मैंने रीजन जानने की कोशिश की, चलो भैया क्या चीज़ है। प्रमोटर को अच्छा खासा रिटर्न मिलता है शेयर से तो वहाँ से वो पूरा एग्जिट करने का उनके पास पूरा अधिकार है। ऐसे ही सेबी में कोई रूल नहीं कि मिनिमम प्रमोटर्स के बाद इतने शेयर होने चाहिए। HDFC का दिखा दूँ मैं आपको, शेयर होल्डिंग 0 है प्रमोटर्स की, लेकिन 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 FOI ने 70% और DIIs ने 18.7% वहीं 11.3%। इसका मतलब समझते हैं, 70% ये जो लोग FOIs है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टर्म पे ये हमारे जैसे रिटेल बंदों का पैसा खाने के चक्कर में नहीं रहते, यहाँ से लॉन्ग पोजीशन में रखते हैं। ऐसा नहीं कि आप अपने स्टेक बेच दीजिए, जैसे आपने स्कैम मूवी में देखी होगी वहाँ पे वो रिटेल के साथ में FOIs के साथ में मिलके शेयर की पोजीशन को घटा देते हैं, कैश में बेचने लगते हैं। अभी तो ITC हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो उसमें वायदा कारोबार में अपनी लंबी पोजीशन बना बना के शॉर्ट मार मार के इसको नीचे की तरफ पैसा घटा रहे हैं। तो वही स्टार्टिंग क्लिक को मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि वो जितना ज़्यादा गिर रहे नीचे साला उतना उठा लो यहाँ से। अभी इसके पीछे दो और न्यूज़ आ रही है, लेकिन मेरे को तो अभी वो रूमर्स ही लग रही है, क्योंकि अभी जब तक वो अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ आती है तो मैं उस पर कोई कह नहीं सकता। ITC के ऊपर आ रहा है कि इसमें बायबैक ये दे सकता है, बायबैक दे सकता है। सेकंड इसमें जो सिगरेट कंपनी जो है इसकी, सिगरेट तंबाकू वाली, उसको सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कभी भी कुछ भी न्यूज़ हमेशा हर साल इसके कहानी क्या होती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाने के बाद इसका क्या होता है, उसके प्रॉफिट पे फर्क पड़ता है, तो उससे शेयर नीचे जाता है हमेशा। और जैसे ही वो सेपरेट हो जाएगी, बाकी इसके आपके प्रोडक्ट्स पता ही है,
खाने पीने की चीज़ें में है, होटल्स है और बहुत सारी चीज़ों में है, तो वहाँ पे इसका काम बढ़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यही चीज़ दिखानी थी कि जो 0% है और ये 13% जो फाइजर, ये तो चलो ये लोग बेचेंगे नहीं, लेकिन ये जो पब्लिक में घुस के बैठे पड़े हैं बंदे, ये में ऑपरेटर भी है और यही आईटीसी को ऊपर बढ़ने नहीं दे रहे। तो पब्लिक अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ढंग से उठा लीजिए, कुछ कस के उठा लीजिए शेयर्स, मतलब कि इतना अच्छे इसकी पोटेंशियल है। मैं आपको फाइनेंशियल आप लोगों को दिखाऊं तो मैं फाइनेंशियल में सबसे मेन चीज क्या देखता हूँ, इसकी देखता हूँ रिजर्व्स पे मेरी सबसे ज्यादा नजर रहती है। जैसे मैं आप लोगों को रिजर्व्स दिखा दूँ इसके, देखिए 62,000 करोड़, 62,000 करोड़ बहुत ज्यादा, वो भी कितने 1200 करोड़ पे, सिर्फ 1200 या 1300 करोड़ आसपास मान लीजिए, 1250 करोड़ के आसपास में, और वहीं पे 62,000 करोड़, और देखिए बढ़ता ही जा रहा है इसका रिजर्व एंड सरप्लस। ये किसका होता है, शेयर होल्डर्स का ही होता है, और ये पूरा का पूरा जो जो होल्डिंग करके रखेंगे उनके पास में सकता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात कर लूँ, मैंने पहले की वीडियोज में भी बात करी है इसमें कि डिविडेंड अच्छा खासा दे देता है, और जैसे बाय बैक की भी बात आ रही है, और अगर आपको अभी थोड़ा सा याद होगा वेदांता ने भी इसी चक्कर में उसका शेयर बढ़ नहीं रहा था, तो उसने कहा यार डीलिस्टिंग करते हैं, हटाते हैं, अब हम सारा का सारा प्रॉफिट रखेंगे। लेकिन यहाँ पे लेने वाला कौन है, प्रमोटर्स तो है नहीं यहाँ पे, तो लेगा कौन से। और वहीं अगर मैं आपको बता दूँ, इसमें ज़्यादातर स्टेक्स गवर्नमेंट्स का भी है और कुछ FFIs का भी, ब्रिटिश तंबाकू करके उसने भी इसमें अच्छा खासा स्टेक ले रखा है। लेकिन काम खराब कहाँ हो रहा है इसका, यहीं पे काम खराब हो रहा है, पब्लिक में जो 43% है इसी में ऑपरेटर उसके बैठे हुए हैं, और ये जो होल्डिंग करके रखते नहीं है, जैसे शेयर बढ़ने लगता है तो कैश में निकालते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में वहाँ पे शॉर्ट मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये शेयर यहीं पे फंस के बेचारा रह जाता है। और ये जो सोचते थे कि हम 300 के लेवल से, ये भी एचयूएल की तरह कुछ बराबरी कर लेगा, कम से कम 300, 400, 500 के आसपास ही आना चाहिए, लेकिन ये उतना लेवल्स पे नहीं आ रहा है। और वही मैं आप लोगों को दिखा देती, देखिए आपका इसमें एचयूएल में एचयूएल का रेट चल रहा है 2000 के आसपास में, और वहीं पे आप इसकी देखिए पब्लिक में कितना, 12.8%, और वहीं पे अगर आप मैं HDFC की दिखा दूँ 11.3%, और प्राइस देखिए 2000, 2000 दोनों तरफ, और यही ITC आपका 178, 178, क्या मतलब बनता, कुछ मतलब नहीं बनता। तो यही है, स्टार्टिंग के क्लिप याद रखिए, उसकी पूछ से ही पकड़ेंगे हम उसको, और वो वहां से वो जो शॉर्ट कवर करेगा उसकी तो हालत पतली कर देंगे हम, पूरी की पूरी पूरा ऊपर की तरफ खींच के ले जाएंगे पूरा बूस्ट। कम से कम ये 300 के लेवल को यहाँ पे मेंटेन करके तो रख रहा था काफी टाइम से, आप लोगों ने देखा होगा, और ये इससे ऊपर से काफी ऊपर डिजर्व करता है काफी सारी कंपनी उसमें, तो ऐसे मैनिपुलेट करना हर टाइम सही नहीं रहेगा। और जो रिटेल इन्वेस्टर है, स्टेबिलिटी चाहता है, उसको ऐसे तुम नीचे की तरफ खींच खींच के रहोगे तो कब तक रख पाओगे। तो यही है, लॉन्ग टाइम के लिए इसमें अगर रख रहना चाहते हैं तो इसको जितना मर्जी है उठा लीजिए, और आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे। तो कंक्लूजन करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि अभी जो टेक्निकल लेवल्स है, मैंने वहाँ पे आप लोगों को बताया था कि इस लेवल्स पे मैंने ये खींचा था, और यहाँ से थोड़ा सा डाउन जो गया था 11,000, और जब 500 के आसपास में था, तो यहाँ पे कुछ था, मैंने कहा था यहाँ पे उठा लीजिए शेयर्स, तो यहाँ पे जिन्होंने उठाया उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया होगा, और जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बना रखी है वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक जरूर कर लें, क्योंकि अगर थोड़ा सा करेक्शन आता है मार्केट पे तो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा ITC को ही गिरा देते हैं, पता नहीं क्या बेफालतू में क्या दुश्मनी है। वही है पैनिक का सिनेरियो में वो सारा फायदा उठाते हैं और फिर शेयर को ज़्यादा गिरा देते हैं, गिरने के टाइम पे तो अच्छा खासा गिरा देते हैं, और बढ़ने के टाइम पे 3-4%, क्या मतलब बनता है। यहाँ पे तुम जैसे 100 रुपये वाले शेयर को तुम अच्छा खासा यहाँ से देखिए, इंडियन होटल्स को अच्छा खासा तुम 10-15% बढ़ा सकते हो, उसे 6-7% भी नहीं बढ़ाते, तो ये बात खराब है। अभी टेक्निकल लेवल की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी रखता है इस जगह पे, अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन होता है, तो यहाँ से 170 के लेवल पे आप फिर से एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है, और ऊपर के जो मेरे लेवल्स हैं ये 200 EMA को टच कर सकता है दोबारा से, तो यहाँ पे अगर कुछ पोजीशन बना के चल रहे हैं तो यहाँ इस 200 EMA पे आप थोड़ा हाफ क्वांटिटी आपकी जो है जितनी आपने बाई करी है यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, फिर यहाँ पे स्टेबिलिटी दिखाता है तो ये ऊपर की तरफ में आप बुक कर सकता है, फिर यहाँ पे आप कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं इसमें थोड़ी सी। और वही अगर
दिवाली की बात कर ली जाए तो मेरे को लग रहा 180-185 के आसपास के लेवल आ सकते हैं, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा अगर इस पोजीशन में आपने एंट्री कर रखी है तो। ये नहीं सोचिएगा, देखिए लोग क्या करते हैं ना, अपनी पोजीशन बना तो लेते हैं लेकिन उसमें प्रॉफिट कब बुक करना कभी नहीं सोचते, और कब कितना लॉस लेके जाना है वो कभी नहीं सोचते। आपको क्या करना है, जैसे अगर ऊपर की तरफ जाता है तो वहाँ पे अपना हाफ क्वांटिटी या जितना 30-40% जितने भी आपने क्वांटिटी बना रखी है वहाँ पे आप सेल आउट कर दीजिए, बाकी प्रॉफिट के तौर पे चलता रहने दीजिए। और फिर एक जिस बाय प्राइस में आपने ले रखा है वहाँ से अगर आपको लगता है कि मैं इतना रिस्क या लॉस ले सकता हूँ, वहाँ पे अपने प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके जरूर रखिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिर ऐसे जैसे हाल हुआ है, जैसे अभी GPL का हुआ है, वहाँ से वो 400 से 300 के लेवल पे आ गए, 300 से 200 के लेवल पे आ गए, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब मेरे को एग्जिट करना चाहिए। तो एक रिस्क आपको लेना आना चाहिए, किस हिसाब से लॉस आप ले सकते हैं, मेन चीज़ लॉस कितना आप ले सकते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और शेयर से कभी भी अटैचमेंट बना के मत रखिए इमोशनली तौर पे कि यार ये इतना गिर गया अभी यही शेयर मेरे को कमा के देगा। 5,000 शेयर है कंपनी है, वहाँ से आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, हर दूसरी तीसरी कंपनी पैसे बना के आपको दे देगी, लेकिन आपको इमोशनली अटैच होके नहीं रहना है। कोई फर्दर क्वेश्चन है तो हमसे कमेंट में करके पूछिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये बंदों को हम ज़्यादा निकाल पाएंगे, जो ऑपरेटर रिसेलर है घुस के बैठे हैं ना, बहुत सालों से इसके अंदर में घुस के बैठे हैं, 8-9 साल से घुस के बैठे हैं यार, जब से मैं इस मार्केट में आया हूँ तब से घुस के ही बैठे हैं, मतलब तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे, शेयर को नीचे पे नीचे करके लेके चल रहे। तो इन लोगों को निकालना तो शेयर जरूर कीजिएगा, और क्वेश्चन है तो जरूर पूछिएगा।